गणपत को म्यूजिक दे सकती है ये फेमस कंपनी। और क्या गणपत के बाद हमें गणपत 2 का भी हिंट इसी मूवी में देखने को मिल सकता है। हाय एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज, और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जो कि बेस्ड है एक अपकमिंग स्पोर्ट्स एक्शन मूवी यानी कि गणपत पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस मूवी की, जिसने अपने टीजर से फैंस का दिल जीत लिया है और हमें फिर से टाइगर का मुन्ना माइकल वाला लुक देखने को मिला। तो दोस्तों आपने सही समझा, हम बात कर रहे हैं टाइगर श्रॉफ की आने वाली सबसे बड़ी मूवी यानी कि गणपत की। तो इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं विकास बहल, और उनका कहना है कि वो काफी एक्साइटेड है टाइगर के साथ काम करने के लिए। और दोस्तों साथ ही टाइगर को भी विकास बहल जैसे डायरेक्टर मिलने पर काफी खुशी है, क्योंकि विकास बहल ने अभी तक काफी सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज दी हैं बॉलीवुड को, जैसे कि क्वीन और सुपर 30। और दोस्तों बता दूं कि टाइगर विकास की जोड़ी होने से जरूरी इस मूवी को ब्लॉकबस्टर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर हम बात करें कि आखिर कौन है वो म्यूजिक कंपनी जो दे सकती है गणपत को अपना म्यूजिक, तो दोस्तों इस लिस्ट में 3 कंपनीज का नाम सुनने में आ रहा है, और वो 3 कंपनी है सोनी म्यूजिक, देसी म्यूजिक फैक्ट्री और एरोस नाउ। और दोस्तों इन तीनों में से सबसे ज्यादा चांसेस एरोस नाउ के लग रहे हैं, प्रेफरेंस दे सकते हैं। पर दोस्तों जैसा कि हम जानते ही हैं कि प्रॉफिट सबको पसंद है, और एरोस नाउ कुछ ईयर्स में उतना कुछ खास म्यूजिक एल्बम्स नहीं दे पाया है, तो इसी वजह से ये मौका शायद से देसी म्यूजिक फैक्ट्री को भी मिले, क्योंकि दोस्तों इस म्यूजिक कंपनी ने लास्ट कुछ ईयर्स में काफी गजब का प्रॉफिट किया है, और अब हर बड़ा सुपरस्टार इसी कंपनी के साथ काम करना चाहता है। तो दोस्तों अगर ऐसा हो जाता है तो एक काफी बड़ी डील हाथ लग जाएगी देसी म्यूजिक फैक्ट्री के, और दोस्तों इसी से इस कंपनी को फ्यूचर में और भी बड़ा बिजनेस करने का मौका मिल जाएगा। पर डिसीजंस पूरा पूजा एंटरटेनमेंट फर्म्स के हाथ में है कि दोस्तों वो किसको मौका देंगे। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते ही हैं कि जब इस मूवी का लॉन्च था, तो उस टाइम ही मूवी के डायरेक्टर यानी कि विकास बहल ने बताया था कि वो इस मूवी को 2 पार्ट्स में बनाना चाहते हैं, और इसलिए इस मूवी में बस हमें आधी स्टोरी ही देखने को मिलेगी और बाकी आती है गणपत 2 में। और दोस्तों वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपना स्ट्रीट फाइटर्स यूनिवर्स शुरू करना चाहते हैं, और ये मूवी तो बस स्टार्टिंग है, इसके बाद तो वो काफी फेमस और मस्कुलर एक्टर्स को इस मूवी में लेकर आ सकते हैं। और दोस्तों ऐसी मूवीज का क्रेज भी फैंस में काफी रहता है, इसलिए उनको जरूर इससे काफी बड़ा बिजनेस करने का मौका मिलेगा, और बड़े स्टार्स के होने से मूवी को स्टारडम का फायदा भी मिलेगा। तो चलिए दोस्तों अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हैं देसी म्यूजिक फैक्ट्री को बॉलीवुड में डेब्यू करते हुए देखने के लिए। एंड दोस्तों इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज फॉर वॉचिंग मोर सच इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रिगार्डिंग अपकमिंग मूवीज एंड वेब शोज। हमारे आज के राइटर हैं आकाश।